Yes. Firstly, he talks about appropriation of profit. और साथ में एक एमसीक्यू मेरे माइंड में आ रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी देयर इन पार्टनरशिप फॉर्म एट प्रेजेंट 50. तो हु इज हैविंग अथॉरिटी टू एक्सटेंड टू 100? सेंट्रल गवर्नमेंट. M and A are the partners. Their capitals are, M की capital 20,000 है और A की capital 40,000 है. Profit for the financial year 21, financial year 21 का मतलब है 2020-21, is 60,000. Who will get how much share? Who will get how much share? Okay, equal. Equal option ही नहीं दी कोई. 36 का आंसर देखते हैं. ठीक है जी, equal option नहीं दी, but उसने D option दिया, none of these. So D option will be correct. उसने एक लिखा, M को दे दो 20,000, A को दे दो 30, then एक को दे दो 20, दूसरे को दे दो 40, then एक को दे दो 30, जो दूसरे का लिख दिया 40, 40 तो दे ही नहीं सकते, 70,000 प्रॉफिट तो है ही नहीं, देन नन ऑफ दिस. चलो लिखो जी, मैनेजर्स कमीशन, राइट ऑन वन क्वेश्चन मोर. मैनेजर्स कमीशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वॉज, मैनेजर्स कमीशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म वॉज 33,000. What amount of net profit? What amount of net profit in manager's commission was to be charged if likhna hai, in nahi likhna. What amount of net profit if manager's commission was to be charged at the rate of 10% before charging such commission? Before मीन्स आपको कमीशन कैलकुलेट करने को नहीं बोला, उसने कमीशन आपको कैलकुलेट करके दी हुई है. वो कहता क्या प्रॉफिट रहा होगा जब कमीशन की परसेंटेज 10% हो और बिफोर चार्जिंग है. बोलो जी, पहली ऑप्शन है 330, दूसरी है 3 लाख, तीसरा है 3,000 एंड द फोर्थ वन इज 3,300. कौन सा प्रॉफिट रहा होगा? 3,30,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड विद 10 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी, बिफोर चार्जिंग कमीशन है. डन. चलो लिखो, सुरेश एंड रमेश आर, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स, सुरेश एंड रमेश आर पार्टनर्स, शेयरिंग इन 2:3. Sharing in 2:3. Salary to Suresh. Suresh की salary लिखिए 30,000. Ramesh की salary लिखिए 5,000 was omitted. पहले की Suresh की 30,000, Ramesh की salary 5,000 was omitted. Past adjustment का question है. And profit distributed. And profit distributed. For rectification, now Suresh will be dash by dash. मतलब debited और credited आप पहले adjustment entry मेरे को बताओ, ठीक है? फिर मैं आपको option बताती हूँ कौन सी option पे आप टिक लगाओ, ठीक है? Past adjustment का question है, करो. Profit he is giving to you, salary उसने omit कर दी, double effect देखना होता है salary का. Will you prepare adjustment table or you will do it orally? करो क्वेश्चन. यस, मैं हमेशा कहा करती हूं पुराना जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो वापस ले लो क्योंकि वो गलत है, ठीक है? 60,000 प्रॉफिट ही इज गिविंग ना, ओके, प्रॉफिट ही इज नॉट गिविंग, प्रॉफिट ही इज नॉट गिविंग. सो 35,000 एक एप्रोप्रिएशन थी जो आप लोगों ने नहीं दी. इट मीन्स कि आपको नहीं लगता 35,000 से ज्यादा प्रॉफिट डिवाइड कर दिया होगा? सोचो,
35,000 एक appropriation अगर आपने skip कर दी है तो 35,000 से ही आपने ज्यादा profit distribute कर दिया, we will take it back, am I right? और उससे भी पहले अगर आपका माइंड ऐसे नहीं चलता, ये सुरेश का है, मैं उसे ऐसे कह रही हूं, ये रमेश का है, और दोनों के डेबिट और क्रेडिट कॉलम है, पहले दोनों को सैलरी नहीं दी, अब दे दें, पहला स्टेप ये कर लें, एक को सैलरी देनी है 30, दूसरे को देनी है 5, सैलरी देने का मतलब क्या, उनकी कैपिटल में क्रेडिट करो, कर दिया। अब इन दोनों ओमिशंस के कारण आप ज्यादा प्रॉफिट डिवाइड कर चुके हैं, आई विल बी टेकिंग इट बैक, 35,000 को इस रेशियो में वापस लो, 35,000 × 2/5, हाँ जी 14,000 इससे वापस लेना है और 21,000 दूसरे से वापस लेना है। फिर आपको सिखाया हुआ है जो साइड बड़ी है एंट्री में उसको वही करना, मींस कहने को हम लोगों ने सुरेश को 30,000 देना है और 14,000 लेना भी है, तो डिफरेंस 16,000 दे दें, इट मींस कि एंट्री में सुरेश क्रेडिट होगा विद रुपए 16,000, ऑप्शन में लिखवाती हूं, सुरेश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री विद रुपए 16,000 एंड हेयर बाय रमेश इज गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री विद रुपए 16,000। अब ऑप्शन आप बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, पहला उसने लिखा था क्रेडिटेड सुरेश विल बी डैश, क्वेश्चन पता कैसे पूछा, सुरेश विल बी डैश विद रुपीस डैश, तो कांट यू फिल इट नाउ, सुरेश विल बी क्रेडिटेड विद रुपीस 16,000, पहली ऑप्शन उसने लिखी क्रेडिटेड रुपीस 8,000, दूसरी लिखी डेबिटेड रुपीस 8,000, तीसरी लिखी क्रेडिटेड 16,000, चौथी लिखी डेबिटेड 16,000, सो सी इज करेक्ट। आपको कॉन्सेप्ट आता होगा पास एडजस्टमेंट का, तभी आप कर पाओगे, आर यू गेटिंग इट, चल लिखते हैं एक और क्वेश्चन, अ पार्टनर विथड्रॉस रुपीज 8,000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, at the how many quarters are there in a year, total drawings kitni hui, yes 8,000 × 4, baki kyun chup reh jate hain, 8,000 × 4 seedha answer aana chahiye 32,000, jab formula lagayenge to 8,000 ko mat multiply karne baithna, 32 ko karna hai, because he withdraw 4 times in a year, 8,000 per quarter at the middle of every quarter, his interest on drawing was 1600 de rakha hai, ye question aaya hua sir, the rate of interest was dash, आपको percentage of interest निकालना है, interest on drawing he himself has given to me 1600, जब middle of the quarter है तो कितने months का लगता है बेटे interest, करें कैसे middle of the quarter जरा देखना, first quarter will be April, May and June, it means कि पहली drawing कब हुई होगी 15 मई को, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 10.5 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट क्वार्टर कब हुआ होगा गिनवाना जरा, जनवरी फरवरी मार्च वाला लास्ट क्वार्टर है, ठीक है, और लास्ट ड्रॉइंग कब हुई होगी, ये नहीं कैलकुलेट कर पाते, मिडल ऑफ क्वार्टर है तो कितने मंथ्स का लगना है, 15 फरवरी, कितना महीने रह गए, डेढ़ रह गए, डिवाइडेड बाय 2, 6 महीने का लगता है, मिडल ऑफ द क्वार्टर में 6 महीने का लगता है, मिडल ऑफ द मंथ में भी 6 महीने का लगता है, मिडल मिडल तो याद हो जाता है वैसे ही बच्चों को, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसने हमें दे रखा है, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगी, देखना जरा, वो अमाउंट ऑलरेडी मेरे पास है, टोटल ड्रॉइंग फॉर्मूला इज इन माई माइंड, टोटल ड्रॉइंग इज 32,000 × रेट मेरे को नहीं पता, आई हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन, 100 into what time period, that is 6/12, solve it, hurry up, calculate the percentage, let me check, 10% option hai, he has given me 5 10 15 20, calculate it, ten percent is correct, will you calculate, equation solve karni hai bhai, kar loge, 10% kaise aaya, karo cancel, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 पे कैंसिल हो जाएगा, डन, 10% डायरेक्टली 10%, एनी डाउट टू एनीवन,
चलो आगे। R1 एंड R2, वैसे उसने नाम लिखा है रॉब एंड रॉय, आप भी नाम यही लिखो फिर, रॉब एंड रॉय। यू विल नॉट राइट, सो यू विल नॉट सॉल्व एज इट इज योर सैंपल पेपर। रॉब एंड रॉय आर शेयरिंग इन 2:8, रॉब एंड रॉय आर शेयरिंग इन 2:8 बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। Before distribution of profit, Roy is entitled 5% commission of net profit after charging such commission. Roy is entitled 5% commission of net profit after charging such commission. Profit before charging commission was 2,10,000. Profit before charging commission was 2,10,000. Calculate Roy's share of profit. Commission क्या है? Is the commission appropriation or charge? बिल्कुल ठीक है, partner की commission क्या है? Appropriation है। Manager की commission क्या है? Charge है। So firstly you will calculate commission. You will deduct it. जो बचेगा उसको 2:8 में डिवाइड करेंगे। रॉय का शेयर कितना है? 8/10। कैलकुलेट इट, दिस इज इजी। कमीशन डन। चलिए जी कैलकुलेट करें कमीशन। रॉयस कमीशन प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2:10 इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 प्लस परसेंटेज, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, इंटू 10 डिवाइड, इट्स 5 ना, 5 डिवाइडेड बाई 105, 10,000 कमीशन माइनस करिए कितना प्रॉफिट बचा। हु विल टेल मी द जर्नल एंट्री फॉर कमीशन? चलो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ कमीशन? वी आर गिविंग द कमीशन टू रॉय। दोनों एंट्रीज बताओ, पहले कमीशन चार्ज करने की फिर कमीशन ट्रांसफर करने की। यस, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द वाइवा। 5 मार्क्स क्वेश्चन विल कम फ्रॉम रेशियो एनालिसिस, रिटर्न आना है वाइवा में जो भी आपका प्रैक्टिकल होने, और 5 नंबर आपका वाइवा है। हैव यू प्रिपेयर्ड फाइल? हैव आई एलोकेटेड फाइल? नहीं, अब कैसे बनाओगे एक दिन में? इट्स नॉट अ जॉब ऑफ वन डे। ओके, दैट वी विल डू इन आवर सेकंड टर्म। यस डन। बोलिए जी, आई वॉज आस्किंग द जर्नल एंट्री। चलो दमनप्रीत, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ कमीशन? वेरी गुड, गुड प्रेपरेशन माई क्लास इज डूइंग फॉर एग्जाम। रॉयस कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू रॉयस कैपिटल, देन सेकेंड एंट्री विल बी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रॉयस कमीशन। अगर नहीं दो एंट्रीज करनी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रॉयस कैपिटल, सिंपल। और ब्रैकेट में हम लोग कमीशन लिख दिया करते हैं या नरेशन में कमीशन लिखते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट शुड बी देयर इन योर माइंड एवरी टाइम। हाँ जी, 2,00,000 प्रॉफिट बचा, रॉय का शेयर निकालो। 2,00,000 का कितना? 8/10, सो इट इज 1,60,000। दिस ऑप्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? सो यू विल पुट द टिक ओवर बी। एंड लाइक इन योर पेपर, अगर आपने YouTube वगैरह में कुछ लिंक देखे हो कि बोर्ड कैसे कहता है एक सर्कल करने को, और साथ में एक वो ऐसे बॉक्स बनाओ। आपने यहाँ पे सी ऑप्शन को डार्क किया, डन। आपने बॉक्स में सी भी लिख दिया। रिवीजन करते हुए आपको लगा कि ये क्या है, गलत हो गया मेरे से, आपने इसको चेंज नहीं करना। आपने बॉक्स में मान लो, तब आपको लगता है कि बी है तो आप इसको बी बना दोगे या वाइटनर लगा के करोगे, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ मैनुअल चेकिंग। सो आपका बॉक्स ये चेक होना। सो बोर्ड इज मेकिंग द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। इधर आपने कुछ भी डार्क किया हो बॉक्स में, जो आंसर आपने लिखा है, वी आर गोइंग टू चेक दैट। डन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारे पेपर्स में ऐसा ही है। डन, जो आता है क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करिएगा।
पहले वाले करेक्ट चेक होने हैं, ये तो पता ही है, वो गाइडलाइन सेम है, सिर्फ एक आपके फेवर में अलग से बता दिया। ठीक, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो मेरे को लगता है वहां पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, मैम बताएंगे आपको, मोनिका मैम को इसके बारे में पता है, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो भी नंबर लिखना है यहाँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी बॉक्स में लिखना, सो दैट द एग्जामिनर कैन कम टू नो कि कौन सा अनअटेम्प्टेड है। आई विल शेयर द लिंक और द गाइडलाइंस विद यू इन द ग्रुप। चलिए जी आगे लिखते हैं, द प्रॉफिट फॉर द, लिखो जी, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप is 2,51,250 rupees. Gross fee earned by Ramit, a partner, bracket में लिख लो partner, Ramit, RAMIT. Gross fee earned by Ramit, a partner, rupees 40,000. ग्रॉस फी, सीए वाला क्वेश्चन है हमारी बुक में है ये, ग्रॉस फी अर्न्ड बाय रमित ड्यूरिंग लास्ट फोर इयर्स वाज, ड्यूरिंग लास्ट फोर इयर्स वाज रुपीस 40,000, 60,000, 30,000 एंड 35,000। In the partnership firm, there are three partners. Lengthy question hai, teen char question iske upar based hai. And the partners' name were Sumit, three partners, Amit, Sumit, and Ramit. Their sharing was 2:2:1. Bas aise hi likhte jao hint mein. 2:2:1. Amit's share of profit, guarantee ka question hai likhu. Amit's share of profit, guaranteed. To be not less than 1,25,000. मैंने less than का साइन डाला और उसे क्रॉस कर दिया, means 125 से कम नहीं होना चाहिए शेयर। So if nothing is mentioned, who is giving guarantee to Amit here? All the partners. So Amit is getting the guarantee. Who is giving the guarantee? Sumit and Ramit. कौन सी रेशो में? या तो वो गारंटी का बता दे, अगर नहीं बताता तो अपने शेयर में, इसको हाइड में कर लूंगी 2:1 में, वो क्या देंगे? गारंटी देंगे, मींस डेफिशिएंसी शेयर करेंगे। आगे लिखो, रमित गिव्स गारंटी, रमित दो तरह की गारंटी दे रहा है, एक पार्टनर को एक फर्म को। रमित गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट, रमित गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम, दैट द ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम shall not be less than the average fee of preceding four year, the average fee of preceding four years when he was carrying on profession alone, profession of CA likh lo, when he was carrying the profession of CA alone. मीस रमित ने फर्म को गारंटी दी है कि जितनी फी मैं अभी अर्न करूंगा वो पिछले चार सालों की फी के एवरेज से कम नहीं होगी। तो चार सालों की फी आपको दे रखी है, इसका एवरेज निकालें कितना बना, 165 को 4 से डिवाइड करो, कितना, 41250। उसने फी कितनी अर्न करके दी है, मैंने पहली लाइन में लिखवाया, हाउ मच फी ही अर्न फॉर द फर्म, 40,000। What is the efficiency? 1250. We will take it. ठीक है? कोई मेरे को बताएगा इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? Deficiency किसकी है? Fee earned की है। हम उसकी कैपिटल में से लेंगे भाई। We will debit his capital. एंट्री क्या बनेगी? Ramit's capital account debited to P&L appropriation. P&L appropriation. ठीक है? हम लोग पहले से ही उसकी कैपिटल में से क्या करेंगे? इसे ले लेंगे। And when we will take it from his capital, we will be passing the entry on which side? On which side? By wali side pe, by Ramit's capital. Kitna? 1250.
पहले 1250 उससे लेंगे, ये अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, और उसके बाद जिस बंदे को गारंटी दी गई है अमित को, उसका शेयर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आपसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट वाज द डेफिशिएंसी, व्हाट वाज द डेफिशिएंसी अमाउंट एडजस्टेड थ्रू, एडजस्टेड थ्रू रमित्स करंट अकाउंट। सो आई रोट इट हियर कैपिटल, ना आप करंट अकाउंट लिखो। पहला क्वेश्चन तो मैंने आंसर कर ही दिया, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, या व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी एडजस्टेड थ्रू रमित्स करंट अकाउंट। रमित के करंट अकाउंट में से कितनी डेफिशिएंसी एडजस्ट की है, सी द ऑप्शंस, 41250, सेकंड इज 40,000 एंड थर्ड इज 1250 एंड द फोर्थ इज नन ऑफ दीस। हां जी, कितनी, 1250। जितना उसने फी की गारंटी दी थी उसने अर्न करी है फी कम, तो 1250 वी विल बी डेबिटिंग फ्रॉम हिज करंट अकाउंट, राइट। अगला क्वेश्चन लिखो, ये क्या है, 9:50 से 9:10, तो मैं अपनी क्लास में नहीं रहूंगी, आज क्या हुआ, आज हुआ क्या, तो मेरी अपनी क्लास भी तो है, प्लस वन सी, सेकंड पीरियड उधर होता है ना मेरा, तो मैं अपनी क्लास में ही रहूंगी। हाँ, बी क्यों लिखी, गलत लिखी है ना, फिर प्लस वन सी है ना मेरी, सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या लिखवाया, व्हाट वुड हैव बीन रमेश शेयर इन द एब्सेंस ऑफ गारंटी टू अमित, अगर वो अमित को गारंटी ना देता तो उसका अपना शेयर कितना होता, यही है ना, मतलब इट मींस कि आपने प्रॉफिट को डिवाइड करना है तीन हिस्सों में, और कितने प्रॉफिट को डिवाइड करना है, लेट्स सी दैट, प्रॉफिट ही इज गिविंग टू मी 21250, एम आई राइट, कितनी फी की डेफिशिएंसी है, 1250, ये है प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इतना आया, देखो जरा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2,52,500 ग्रॉस फी वाली डेफिशिएंसी को ऐड करके। अब रमित का शेयर निकालो, क्या दे रखा है रमित का शेयर, 1/5, बताओ जी 1/5 कितना आता, फिर देखो ऑप्शन में है कि नहीं, 50500, बिल्कुल ठीक, 77 का आंसर देखते हैं, डन, बिल्कुल ठीक है, 50,500। अगर वो रमित को गारंटी ना देता तो, अमित को गारंटी ना देता तो प्रॉफिट कितना होता,